हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नाव रेलवे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर रेलवे विभागीय परीक्षा संबंधित प्रत्येक विभाग का प्रश्न पत्र डेली अपलोड किया जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। दोस्तों, आज का प्रश्न पत्र झांसी डिवीजन में हुए ट्रैकमैन से जेई पद के लिए जो एग्जाम हुआ था 9 जुलाई 2023 को, उसका प्रश्न पत्र दोस्तों आज हम लोग हल करेंगे। दोस्तों, यह एलडीसी कोटा का एग्जाम हुआ था जेई पीडब्ल्यूए डिपार्टमेंट में, जिसको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी बोला जाता है। तो दोस्तों, आइए देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, 110 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति वाले मार्गों पर जेई एसएससी जेई पीवे सेक्शनल के पैदल निरीक्षण अनुसूची क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 14 दिनों में एक बार। प्रश्न संख्या दो, 110 किलोमीटर प्रति घंटे से कम गति वाले मार्गों पर जेई एसएससी पीवे सेक्शनल के पैदल निरीक्षण अनुसूची क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 6 महीने में एक बार। प्रश्न संख्या तीन, जेई एसएससी पीवे सेक्शनल और प्रभारी के अलावा गेंद के निरीक्षण का अनुसूची क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 7 दिन में एक बार। प्रश्न संख्या चार, 110 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक और 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए आवश्यक रेल का न्यूनतम ग्रेड क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 60 केजी 90 UTS। प्रश्न संख्या पाँच, 110 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक और 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए स्लीपर घनत्व कितना होना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1660। प्रश्न संख्या छः, 52 किलो रेल का क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 66.15 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या सात, सिंगल लाइन स्ट्रेट ट्रैक के लिए न्यूनतम फॉर्मेशन की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 7850 mm। प्रश्न संख्या आठ, नई लाइन निर्माण कार्य के लिए गिट्टी कुशन की न्यूनतम गहराई कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 350 mm। प्रश्न संख्या नौ, वक्र की न्यूनतम त्रिज्या जिसपे पीएससी स्लीपर पर नया एसडब्ल्यूआर ट्रैक बिछाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 440 मीटर। प्रश्न संख्या 10, एसडब्ल्यूआर में तापमान जोन एक में अधिकतम तापमान जिसके नीचे ट्रैक लिफ्टिंग किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, TM+25°C। प्रश्न संख्या 11, SWR में तापमान जोन 4 में अधिकतम तापमान जिसके नीचे ट्रैक लिफ्टिंग किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, TM+20°C। प्रश्न संख्या 12, LWR CWR के लिए अधिकतम अनुमत ग्रेड क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1 in 100। प्रश्न संख्या 13, LWR में उपयोग किया जाने वाला न्यूनतम रेल सेक्शन कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 52 केजी पर मीटर। प्रश्न संख्या 14, भारतीय रेलवे को कितने तापमान क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 4।
प्रश्न संख्या 15, 60 किलो रेल के LWR के डी स्टेटिंग के समय SEJ को किस अंतराल यानी गैप पर रखा जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 40 mm। प्रश्न संख्या 16, LWR CWR में नियमित ट्रैक रखरखाव उन घंटों तक सीमित रहेगा जब रेल का तापमान डैश यानी निम्न के बीच हो, किसके किसके बीच होना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए TD+10°C से TD-30°C के बीच। प्रश्न संख्या 17, 2 डिग्री वक्र की त्रिज्या क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 875 मीटर। प्रश्न संख्या 18, टर्न आउट और टर्न इन कर्व्स की त्रिज्या की जांच के लिए उपयोग की जाने वाली कॉर्ड की लंबाई क्या होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 6 मीटर। प्रश्न संख्या 19, 1:8:5 वक्रीय स्विच पर अनुमेय गति क्या होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 20, समूह ए मार्ग पर ऊर्ध्वाधर वक्र की न्यूनतम त्रिज्या क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 4000 मीटर। प्रश्न संख्या 21, लैंडिंग स्ट्रेचर बार के ऊपर और स्टॉक रेल के बॉटम के बीच का अंतर कितना होना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1.5 से 5 mm तक। प्रश्न संख्या 22, 60 kg CMS क्रॉसिंग की नाक पर अधिकतम अनुमेय ऊर्ध्वाधर हिसाब की सीमा क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 10 mm। प्रश्न संख्या 23, 52 किलोग्राम रेलखंड में अधिकतम ऊर्ध्वाधर घिसाव की सीमा क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 8 mm। प्रश्न संख्या 24, 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए गेज की अनुमेय सीमा क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी -10 से +27 तक। प्रश्न संख्या 25, विशेष श्रेणी लेवल क्रॉसिंग में ट्यूब ही कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 50,000 से बड़ा। प्रश्न संख्या 26, लेवल क्रॉसिंग में गेट पोस्ट में से स्पीड ब्रेकर की दूरी कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 20 मीटर। प्रश्न संख्या 27, 1540 और उससे अधिक स्लीपर घनत्व वाले PSC स्लीपर ट्रैक पर किस तापमान पर गर्म मौसम में गश्त शुरू की जानी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए TD+25°C। प्रश्न संख्या 28, फैन शेप टर्नआउट में चेक रेल क्लियरेंस क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 41 से 45 mm के बीच। प्रश्न संख्या 29, 52 kg सेक्शन के लिए CMS क्रॉसिंग के केस में वास्तविक घिसाव को जानने के लिए नापी गई घिसाव माप से निम्न माप को घटाना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2 mm। प्रश्न संख्या 30, 60 kg सेक्शन के लिए CMS क्रॉसिंग के केस में वास्तविक घिसाव को जानने के लिए नापी गई घिसाव माप से निम्न माप को घटाना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 2.5 mm। प्रश्न संख्या 31, 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए गेज की अनुमेय सीमा क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी -12 से +27 तक।
प्रश्न संख्या 32, ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गिट्टी के गहरी छनाई के लिए। प्रश्न संख्या 33, मशीन टेपिंग के दौरान कार्य बंद करने से पहले निम्नलिखित का रन ऑफ रैंप दिया जाना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1 in 1000। प्रश्न संख्या 34, 1:8:5 टर्नआउट के स्विच हिस्से में निम्नलिखित स्लीपर नंबर आते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1:13। प्रश्न संख्या 35, 1:8:5 टर्नआउट के लीड हिस्से में निम्नलिखित स्लीपर नंबर आते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 14:41। प्रश्न संख्या 36, 1:12 टर्नआउट के स्विच हिस्से में निम्नलिखित स्लीपर नंबर आते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1:20। प्रश्न संख्या 37, 1:12 टर्नआउट के लीड हिस्से में निम्नलिखित स्लीपर नंबर आते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 21:64। प्रश्न संख्या 38, 1:16 टर्नआउट के स्विच हिस्से में निम्नलिखित स्लीपर नंबर आते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1:20। प्रश्न संख्या 39, 1:16 टर्नआउट के लीड हिस्से में निम्नलिखित स्लीपर नंबर आते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 21:75। प्रश्न संख्या 40, मैनुअल गहरी छनाई में निम्नलिखित गति प्रतिबंध लगाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 41, साइड ड्रेन का निचला सतह फॉर्मेशन लेवल से कम डैश नीचे होना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 30 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 42, प्लेटफॉर्म लाइन पर डिस्टेंस पीसेज की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 30 मीटर। प्रश्न संख्या 43, फॉलिंग मार्क पर नई यार्ड लाइन के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 5.3 मीटर। प्रश्न संख्या 44, फाउलिंग मार्क पर मौजूदा यार्ड लाइन के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 4.265 मीटर। प्रश्न संख्या 45, डबल लाइन स्ट्रेट ट्रैक के लिए न्यूनतम फॉर्मेशन की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 13,160 mm। प्रश्न संख्या 46, 52 kg नई रेल की सामान्य ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 156 mm। प्रश्न संख्या 47, 60 kg नई रेल की सामान्य ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 172 mm। प्रश्न संख्या 48, IMR रेल पर कितने का गति प्रतिबंध लगाया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 49, तापमान जोन में 1 में 60 kg रेल के लिए TD की सीमा क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, TM to TM+5। प्रश्न संख्या 50, तापमान जोन 1 में 52 kg रेल के लिए TD की सीमा क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, TM to TM+5। प्रश्न संख्या 51, ट्रैक मेंटेनेंस के दौरान टेंसर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डी-स्ट्रेसिंग। प्रश्न संख्या 52, किसी वक्र की वसायन नापने के लिए कितना लंबा कोई उपयोग किया जाता है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 20 मीटर। प्रश्न संख्या 53, 1 से 12 फैन शेप टर्नआउट में एटीएस से एसआरजी की दूरी कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1.5 मीटर। प्रश्न संख्या 54, रेल फ्रैक्चर के दौरान फ्रैक्चर गैप कितने से कम होने पर रेल क्लोजर उपयोग नहीं करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 30 mm। प्रश्न संख्या 55, कॉटन में ट्रॉली आश्रय की अधिकतम दूरी जहां पर ट्रैक सीधा हो? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 200 मीटर। प्रश्न संख्या 56, कॉटन में ट्रॉली आश्रयों की अधिकतम दूरी जहां पर ट्रैक वक्र हो? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 100 मीटर। प्रश्न संख्या 57, 60 केजी रेल का क्या मतलब होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1 मीटर लंबे रेल पीस का वजन 60 केजी है। प्रश्न संख्या 58, इनमें से किसका यूएसएफडी टेस्टिंग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रेल वेल्ड एंड रेल और वेल्ड का। प्रश्न संख्या 59, पीएससी स्लीपर पर लिखे हुए एफटीसी का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी फिट फॉर ट्रैक सर्किट। प्रश्न संख्या 60, ट्रैक सर्किट भाग में कौन से लाइनर उपयोग होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए GFN। प्रश्न संख्या 61, स्टील गर्डर पुलों पर 26 मीटर रोल्ड रेल निम्न के साथ बिछाए जा सकते हैं? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1 मीटर लंबे फिश प्लेट 6 बोल्ट के साथ। प्रश्न संख्या 62, गटर पुलों पर जोरों के चैनल स्लीपर की क्लियर दूरी डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 200 mm से। प्रश्न संख्या 63, गार्ड रेल और रनिंग रेल का अंतराल कितना होना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 250 प्लस माइनस 50 mm। प्रश्न संख्या 64, गार्ड रेलों की लंबाई जिसे इस प्रकार बेंड किया जाए कि रेल पथ की मध्य में साथ साथ आ जाए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 4875 mm। प्रश्न संख्या 65, ग्रीष्मकालीन गौशाला इस उपस्कर को लेकर नहीं चलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए HS झंडी हरी। प्रश्न संख्या 66, वर्षाकालीन गश्त के दौरान गश्त वाले के द्वारा एक दिन में सामान्यतः की गई गश्त की अधिकतम दूरी इससे अधिक नहीं होनी चाहिए? प्रश्न संख्या 66, वर्षाकालीन गश्त के दौरान गश्त वाले के द्वारा एक दिन में सामान्यतः की गई गश्त की अधिकतम दूरी इससे अधिक नहीं होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 20 किलोमीटर से दूरी अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 67, संपार पर रेलपथ की मध्य रेखा से फाटक खंभों के की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 3 मीटर। प्रश्न संख्या 68, संपार पर रेलपथ की मध्य रेखा से फाटक खंभों की अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 3.3 मीटर। प्रश्न संख्या 69, बीजी ट्रैक पर सीमा फाटक बोर्ड संपार से डैश दूरी पर लगाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 600 मीटर की दूरी पर। प्रश्न संख्या 70, संपार पर दिए जाने वाले गति अवरोधक की चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2000 mm। प्रश्न संख्या 71, संपार पर यातायात के गणना के दौरान
मोटोराइज्ड दो पहिया वाहनों को माना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 25 इकाई। प्रश्न संख्या 72, समारोह पर गेट लॉज की नज़दीकी ट्रैक के मध्य रेखा से न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 6 मीटर। प्रश्न संख्या 73, क्वेश्चन इंडिकेटर बोर्ड को रेल लेवल से डैश ऊंचाई पर लगाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2.0 मीटर। प्रश्न संख्या 74, TYP बोर्ड को रेल लेवल से डैश ऊंचाई पर लगाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1.65 मीटर। प्रश्न संख्या 75, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्रतिबंध के लिए क्वेश्चन इंडिकेटर बोर्ड को मरम्मत की जा रही लाइन से डैश दूरी पर लगाया जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 800 मीटर की दूरी पर। प्रश्न संख्या 76, स्टॉप डेड गति प्रतिबंध के लिए क्वेश्चन इंडिकेटर बोर्ड को मरम्मत की जा रही लाइन से डैश दूरी पर लगाया जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1200 मीटर की दूरी पर। प्रश्न संख्या 77, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज। प्रश्न संख्या 78, भारतीय रेलवे में सबसे ऊंचा पद कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चेयरमैन रेलवे बोर्ड CRB जिसको बोलते हैं। प्रश्न संख्या 79, जोनल रेलवे के मुखिया कौन होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जनरल मैनेजर। प्रश्न संख्या 80, डिवीजन का मुखिया कौन होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी डिविजनल जनरल रेलवे मैनेजर जिसको DRM भी बोलते हैं। प्रश्न संख्या 81, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में कितने डिवीजन हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 3 डिवीजन। प्रश्न संख्या 82, पुलों पर डेंजर लेवल किस रंग से मार्क किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लाल रंग से। प्रश्न संख्या 83, यार्ड का इंजीनियरिंग और SNT के द्वारा जॉइंट पॉइंट एंड क्रॉसिंग्स इंस्पेक्शन कितने दिनों में किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 3 महीने में एक बार। प्रश्न संख्या 84, 1:12 PSC फैन शेफ्ट टर्नआउट के एक सेट में कितने स्लीपर्स होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 96 स्लीपर। प्रश्न संख्या 85, IMR रेल को कितने दिनों में बदल देना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 3 दिनों में। प्रश्न संख्या 86, नई लाइन के फॉर्मेशन के टॉप पर कितने का क्रॉस स्लोप दिया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1:30। प्रश्न संख्या 87, स्विच एक्सपेंशन जॉइंट को किन स्थानों पर नहीं लगाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कर्वे के ट्रांजिशन में। प्रश्न संख्या 88, भारतीय रेलवे में चलने वाली ट्रेन की अधिकतम गति क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 160 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 89, संपार पर चेक रेल के क्लियरेंस की न्यूनतम सीमा क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 51 mm। प्रश्न संख्या 90, संपार पर चेक रेल के क्लियरेंस की अधिकतम सीमा क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 57 mm। प्रश्न संख्या 91, समारोह पर हाइट गेज को गेस्ट पोस्ट से न्यूनतम डैश दूरी पर लगाना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 8 मीटर की दूरी पर। प्रश्न संख्या 92, ट्रैक की सुरक्षा करते समय 1200 मीटर की दूरी पर कितने पटाखे लगाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 3 पटाखे। प्रश्न संख्या 93,
PSE टर्नआउट 112 की लंबाई कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 39.975 मीटर। प्रश्न संख्या 94, 60 kg रेल की सर्विस लाइफ क्या होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 800 GMT। प्रश्न संख्या 95, 52 kg रेल की हेड की चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 67 mm। प्रश्न संख्या 96, 60 kg और 52 kg रेल की ऊंचाई में अंतर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 16 mm। प्रश्न संख्या 97, 1 डिग्री वक्र की त्रिज्या क्या होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1750 मीटर। प्रश्न संख्या 98, ट्रैक पर लगाए गए पटाखों से न्यूनतम सेफ दूरी कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 45 मीटर। प्रश्न संख्या 99, RDSO कौन से शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। प्रश्न संख्या 100, नॉर्दर्न रेलवे का उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि जितने भी ELDC एग्जाम होते हैं उसमें 10 नंबर आपका राजभाषा का जरूर से जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों आइए राजभाषा के प्रश्न को भी हम लोग देख लेते हैं, किस राज्य में राजभाषा नियम 1976 लागू नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 102, राजभाषा नियम के अनुसार हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 3 भागों में, क, ख, ग या ABCD बोल सकते हैं। प्रश्न संख्या 103, राजभाषा के प्रयोगों के संदर्भ में कौन सा राज्य क्षेत्र ख में आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 104, राजभाषा के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा राज्य संघ राज्य ख क्षेत्र में नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी चंडीगढ़, ये ख क्षेत्र में है, अब बाकी सब क क्षेत्र में है। प्रश्न संख्या 105, राजभाषा के प्रयोग के संदर्भ में अंडमान व निकोबार द्वीप किस क्षेत्र में आता है? तो वह आता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 106, भारत संघ की राजभाषा क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हिंदी। प्रश्न संख्या 107, संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कुल 22 भाषा। प्रश्न संख्या 108, प्रत्येक दिवस वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 14 सितंबर को। प्रश्न संख्या 109, राजभाषा नियमों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, इसमें 12 होते हैं। प्रश्न संख्या 110, जो आज का अंतिम प्रश्न है, संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गृह मंत्री। तो दोस्तों ये थे झांसी डिवीजन में 9 जुलाई को हुए JEE PWA के पेपर का सॉल्यूशन। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। इस चैनल पर रेलवे विभाग या परीक्षा संबंधित प्रत्येक विभाग का LDC और GDC प्रश्न पत्र डेली अपलोड किया जाता है। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।